अगर आप फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या किसी भी दूसरी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो होशियार हो जाइए। आपके पास एक मैसेज आ सकता है जो आपके दोस्त की आईडी से हो सकता है, जो आपके पैसे की मांग कर सकता है। ऐसे मैसेज से होशियार रहें। पेश है ARH न्यूज़ की ये रिपोर्ट। ये है अजहर। अजहर साइबर फ्रॉड के नए तरीके के शिकार हुए हैं, कैसे जाने से पहले देखिए और पढ़िए ये व्हाट्सएप। एक बैंक के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, अर्जेंट कर दोगे? इवनिंग में दे दूंगी। कितने करने हैं? 5,000। 6 बजे रिटर्न दे दूंगी। अकाउंट डिटेल। इसके बाद एक अकाउंट नंबर अजहर को भेजा गया। एक लड़के ने इस तरह इमरजेंसी का मैसेज भेज कर ट्रांसफ़र कर लिए। खुद अजहर की जुबानी सुनिए कैसे इसकी शुरुआत हुई। हाय हेलो हुई, मेरी भी हुई। उसके बाद उसने बोला कि मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। उसने एक नंबर दिया, मैंने उस पर उसको व्हाट्सएप मैसेज किया और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद मैंने उसको हेलो बोला। उसके बाद उसने अपना ट्रैप बिछाना शुरू किया। जैसे हम बात करते थे उसने उस चैट को पढ़ लिया था, उसी अंदाज में उसने बात करनी शुरू की ताकि मैं उसको पकड़ ना सकूँ। उसने बात की और बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मेरा कोई एक दोस्त है, वो पूरे क्राइम से पहले एक महिला का फेसबुक अकाउंट हैक किया गया और इस हैक अकाउंट से दूसरे दोस्तों को फंसाया गया। इसमें व्हाट्सएप का भी सहारा लिया गया। इस बात का पता भी नहीं चल सका। अब आप समझिए कि ऐसी कोई फेक न्यूज़ के ज़रिए किसी का भी अकाउंट आसानी के ज़रिए हैक कराया जा सकता है।